मेरे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HBSAG क्यों करवाया जाता है और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब क्या है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर लुकिन स्वागत करता हूं आपका आज के इस टॉपिक में, और इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे किस तरह से इसका मेकअप बनाया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी मरीज को HBSAG लिखा जाता है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस या उसको आशंका जताई जाती है, यानी कि हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो आपके लीवर को खराब करता है और ये लीवर में जाकर के, ब्लड में जाकर के आपके लीवर की जो सेल्स होती हैं, हेपेटोसिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनको खराब करता है। जब वो खराब होती हैं तो उनमें सूजन आती है। हेपेटाइटिस बी वायरस अगर आपके लीवर में जाता है और उसको हमें पता लगाना हो कि भैया ये हमारे लीवर में है प्रेजेंट या नहीं है, तो हम इस टेस्ट को करवाते हैं। इस टेस्ट को करवाने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि उस मरीज को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, यानी उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता क्या है। फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी वायरस एक ऐसा वायरस है जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है और बहुत जल्दी बहुत आसानी से ये हो जाता है। सबसे पहला इसका जो कारण होता है वो होता है ब्लड के थ्रू फैलता है, सलाइवा के थ्रू फैल जाता है, यानी कि आपके रक्त के द्वारा फैल सकता है, आपके सलाइवा यानी कि लार के द्वारा फैल सकता है, इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा भी ये फैल सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, ये दो तरह की इन्फेक्शन कर सकता है जिसे हम कहते हैं, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट यानी कि हाल ही में 10-12 दिन में, 15-20 दिन में, एक महीने में किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है। अगर वही इन्फेक्शन लंबे समय से आ रहा हो, जैसे 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, और उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट अगर कोई नहीं करवाता तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन। दोस्तों, इसके बारे में एक फंटास्टिक बात ये बताना चाहूंगा कि इस वायरस का वैक्सीन हमें जब लग जाता है, जब हम पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर होते हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लग जाता है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं किसी मरीज को अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या करे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि ऐसे मरीज जिनको हेपेटाइटिस बी हो चुका है और उनका HBSAG पॉजिटिव आता है, ऐसी कंडीशन में हम उस पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि उसको बाहर की चीज़ें तुरंत बंद कर देनी चाहिए, तला भुना कम खाना चाहिए, ऐसी चीज़ें कम खानी चाहिए जो लीवर को ख़राब करे, यानी कि इतना हैवी हमें खाना नहीं खाना है कि लीवर पर ज़्यादा लोड पड़े। अगर हम ज़्यादा हैवी खाना खाएंगे तो लीवर को हमारे को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, चूँकि हमारा लीवर पहले से ही इन्फेक्टेड है, उसमें सूजन है, उस पर लोड ज़्यादा है, वो सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ऐसे मरीजों में लीवर और ज़्यादा ख़राब होगा अगर वो ज़्यादा हैवी खाना खाता है। तो ऐसे मरीज जिनको हेपेटाइटिस से या लीवर से रिलेटेड परेशानियां हैं, वो तुरंत अपना हल्का फुल्का भोजन खाना स्टार्ट कर दें और लंबे समय तक अपना हल्का फुल्का भोजन खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जो आसानी से पच सकें और आसानी से आपके शरीर में काम कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, होता है कि ऐसे मरीजों को जॉइंटिस यानी पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ऐसे कई मरीज होते हैं जिनको पीलिया हो जाता है। पीलिया यानी कि आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, वो पीली पीली दिखाई हमको देने लगती है, इसे हम पीलिया कहते हैं, और ये ज़्यादातर आपका लीवर खराब होने की वजह से होता है या फिर आपकी जो RBC जिन्हें हम लाल रक्त कोशिकाएँ कणिकाएँ कहते हैं, उनके टूटने की वजह से भी होता है, या फिर कोई ऐसा कॉज हो जो उस वायल को, जो उस विलुरविन को ओवरस्ट्रिक्ट कर रहा हो, यानी कि रुकावट कहीं ना कहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से वो आपके शरीर में बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना HBSAG के बारे में। मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी नई वीडियोज देखने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।